हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक द्वारा भाजपा प्रत्याशी को मतदान किए जाने पर उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इसके लिए पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में सब कुछ सामान्य है और यहाँ पर इस तरह का वातावरण नहीं है। देहरादून से अवनीश जैन की रिपोर्ट। नहीं देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड राज्य की आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में इस तरीके का कोई खतरा नहीं, हिमाचल प्रदेश में हुआ है निश्चित रूप से, बहुत दुखद भी है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इस पर जो है आगे क्या कदम उठाना है सोचेगा और तदनुसार आगे बढ़ने का काम।